हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आज मैं हूँ मोंगपू शहर में, जहाँ पर हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी आया करते थे। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करने के लिए वो शहर। जो एजेलिया की प्लांट आप लोग देख रहे हैं, ये उनके रूम के बाहर ही है, लेकिन ये नए लगाए गए हैं। ये है कविगुरु रविंद्रनाथ जी की पिक्चर, जिसको मैंने इसी म्यूज़ियम से ली है। और यहाँ पर और भी कुछ है, चलिए दिखाती हूँ। ये है रविंद्रनाथ जी के खुद की हैंडराइटिंग, उनके खुद की हैंडराइटिंग से ये लिखा हुआ सॉन्ग है, आकाश भरा सूर्य तारा विश्व भरा प्राण। गुरु जी यहाँ पर आके सोते थे। ये है इनकी बेडरूम, तो बेडरूम में ये है फायरप्लेस। यहाँ पर बहुत ठंड है, इसीलिए ये सुविधा। गुरु जब यहाँ पर आते थे तो उनकी तबीयत जब ख़राब होते थे, तो इस रूम में उनके मेडिसिन रखा हुआ है, वो अभी तक है। ये देखिए जी की बेडरूम के सामने ही ये प्लेस है, जहाँ से गुरु जी प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन करते थे। और बहुत सुंदर है ये प्राकृतिक सौंदर्य। कुछ देर आप लोग देख रहे थे कैसे सनी डे थे, लेकिन अभी देखिए वेदर कैसे फटक से चेंज हो गए हैं। ये देखिए पूरे क्लाउड है, चारों तरफ पूरे क्लाउड से भरे हुए हैं, और हम लोग उसी क्लाउड से सामने की तरफ चले जा रहे हैं। बहुत ठंड है और हवा भी चल रही है। अब हम लोग मोंगपू से निकल के दार्जिलिंग की तरफ जा रहे हैं, और इसी क्लाउडी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। देखिए कितने क्लाउडी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।